गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, रोज की तरह आज भी उपस्थित हूँ आपके अपने चैनल जीएसए ऑनलाइन जी के क्विज पर। आज का टॉपिक है जीएस। क्वेश्चन नंबर वन है आपका, मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है। आपके स्क्रीन पर चार ऑप्शन दे दिए गए हैं, जो भी आपका करेक्ट आंसर हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। 5 सेकेंड आपको मिलते हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनवाना है आपको तो कमेंट बॉक्स में इस चीज़ को बता सकते हैं। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, 46 गुणसूत्र मनुष्य में पाए जाते हैं। अगर जोड़ी की बात की जाए तो 23 जुड़े। क्वेश्चन हमेशा घुमा के पूछता है कंपटीशन में, तो कभी जोड़ा पूछता है, तो 23 जोड़े होते हैं गुणसूत्र की संख्या जो होते हैं। और पूरे गुणसूत्र अगर दिया रहे ऑप्शन में तो 46 आप लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका, मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जाता है। आपके स्क्रीन पर चार ऑप्शन दे दिए गए हैं, जो भी आपका करेक्ट आंसर हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा, मस्तिष्क का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है। आपके स्क्रीन पर चार ऑप्शन दे दिए गए हैं, जो भी आपका करेक्ट आंसर हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा, विटामिन के जो है ऐसा विटामिन है जिससे रक्त का थक्का बनता है। और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर चौथा है, मिली बग किस फसल से संबंधित है, यानी कि एक रोग है और किस फसल से संबंधित है आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा, सरसों में होने वाला एक रोग है मिली बग, जिसे हमारे यहाँ पे माहू कहा जाता है। माहू लग जाना सरसों में, उसे ही मिली बग कहा जाता है। बात की जाए मूंगफली की, तो इसमें टिक्का रोग होता है। मूंगफली में एक प्रसिद्ध रोग है टिक्का, जो कंपटीशन के क्वेश्चनों में बार बार पूछा जाता है। गन्ना की बात की जाए तो गन्ने में बीच में रेड रेड लकीर पर जाती है, रेड लाइन, वो रोग है रेड रोग। और ज्वार में कौन सा रोग होता है इसे आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर पांचवा है, पित्त जमा होता है। आपके स्क्रीन पर चार ऑप्शन दे दिए गए हैं, जो भी आपका करेक्ट आंसर हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, पित्ताशय में पित्त जमा होता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर छठवा है, फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है। आपके स्क्रीन पर चार ऑप्शन दे दिए गए हैं, जो भी आपका करेक्ट आंसर हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा, पुष्प, फूल गोभी, नाम ही फूल गोभी है तो फूल ही तो उसका खाया जाता है, इसलिए उसको पुष्प मतलब पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है पूछा गया है, तो पुष्प खाया जाता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सातवां है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु मतलब कि आंसू स्रावित करती है। आपके स्क्रीन पर चार ऑप्शन दे दिए गए हैं, जो भी आपका करेक्ट आंसर हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा, लैक्रिमल ग्रंथि जो है जिससे आंसू स्रावित होती है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आठवां है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। आपकी स्क्रीन पर चार ऑप्शन दे दिए गए हैं, जो भी आपका करेक्ट आंसर हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा, कार्बोहाइड्रेट जो है सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नौवां है, खैरा रोग किस फसल से संबंधित है। आपके स्क्रीन पर चार ऑप्शन दे दिए गए हैं, जो भी आपका करेक्ट आंसर हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, धान में खैरा रोग होता है। गन्ने में भी हमने बताया रेड रॉट रोग एक होता है, गन्ने में होता है। और मूंगफली की बात की जाए जिसमें एक टिक्का रोग होता है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध रोग है इसका। और ज्वार की बात की जाए तो ज्वार को हमने बताया कि आप कमेंट बॉक्स में क्या होता है बताइए। चलिए फिर नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दसवां है, स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है। आपके स्क्रीन पर चार ऑप्शन दे दिए गए हैं, जो भी आपका करेक्ट आंसर हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा, ट्यूबेक्टोमी जो है स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है। और पुरुषों की बात की जाए तो वैसेक्टोमी कहा जाता है। आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। तो फ्रेंड्स कल फिर मिलते हैं 10 नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।